बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 226 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 126 यानी कि सबसे अधिक मामले गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। गाजियाबाद में 46, लखनऊ में 17 और वही 146 लोगों ने कोरोना को मात भी दी यानी कि वो रिकवर हुए हैं। बड़ी बात है कि एक बार फिर से वो दौर ना आए, इसीलिए लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट भी यानी कि स्वास्थ्य विभाग ये लोगों से अपील कर रहा है कि आप सभी लोग एक बार फिर से प्रिकॉशन बरतें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, क्योंकि चाहे दिल्ली की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, हर जगह केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। कोशिश आप यही करें कि आप अपनी तो सुरक्षा करें ही, अपने आसपास के लोगों को से भी यही अपील करें कि एक बार फिर से वो मंजर ना देखने को मिले जब हम सब परेशान हो रहे थे, जब हम सब जो है उस दौर के गवाह बने, जब हम अपने को खो रहे थे, अपने लोगों को खो रहे थे, अपने करीबियों को खो रहे थे। तो हम नहीं चाहते कि वो मंजर, वो तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिले। इसीलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। तो प्रिकॉशन लीजिए और अलर्ट मोड में रहिए। लोगों से भी आप अपील कीजिए कि आप सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बिल्कुल भी दूर रहें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल चौधरी जुड़े हुए हैं। अनिल, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते 24 घंटे में गाजियाबाद में 55 केस जो कि संक्रमित पाए गए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं केस। और वहीं दूसरी तरफ टोटल केस की अगर बात की जाए तो 246 केस पॉजिटिव है गाजियाबाद के अंदर, जिसमें कि काफी छात्र भी बताए गए हैं, 53 छात्र जो है पॉजिटिव है जिले के अंदर। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। जो आम लोग हैं वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा रियलिटी चेक जाकर, जगह जगह जाकर हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो आम जनता की जो सहभागिता होनी चाहिए इसमें वो नहीं दिख रही है। लोग लापरवाह तरीके से सड़कों पर दिख रहे हैं, बिना मास्क के लोग जा रहे हैं। और मॉल की अगर बात करें तो मॉल के अंदर भी काफी तादाद में लोग एक स्थान पर ही इकट्ठा हो रहे हैं। बस गाजियाबाद में धारा 144 भी लगी हुई है, उसके बावजूद भी लोगों में डर नहीं है, क्योंकि प्रशासन उस तरीके से सख्त नहीं है। क्योंकि प्रशासन आदेश जरूर दे देता है, पर जिला स्तर पर जब काम होने की बात होती है या अधिकारी मौके पर जाके जांच करें, उस तरह की व्यवस्था जो है जिले के अंदर नहीं दिख रही है। लोग लापरवाह तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं। इसी का खामियाजा आगामी फोर्थ वेव की तरफ जो है इशारा जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं चिंता का विषय जो है बनता जा रहा है। पर लोग हैं लापरवाह हैं, बिना मास्क के लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, इसी के लिए लगातार चैन बढ़ती जा रही है, कोरोना की चैन लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अधिक आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ चिंता का विषय है, आपको प्रिकॉशन लेना होगा। और हमारे सहयोगी लगातार बता देना है गाजियाबाद में जब धारा 144 लागू है, तो आप सभी से हम यह अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही है या फिर जो भी नियम बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करें। नोएडा का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी महेंद्र बने हुए हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं, चिंता का विषय है। देखिए, जैसे आपको मैं बता दूं, अगर गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक केस आ रहे हैं, तो इसका ये भी मामला है कि यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली अपने रोजमर्रा काम के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। और लगातार जो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मगर आज कहीं ना कहीं ये राहत की बात है कि आज 100 से कम केस आए, नहीं तो हर दिन हमारा 100 का आंकड़ा पार कर जाता था। क्योंकि अब लोग थोड़ा जागरूक हो चुके हैं, अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आंकड़ा और कम होता जाएगा। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस मुहिम में लगा पड़ा है कि लोगों को एक बार दोबारा जागरूक करे, मुंह पर मास्क लगाने की बात कहे या सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहे, तो इसका असर गौतम बुद्ध नगर के नागरिकों पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र और अनिल, तमाम जानकारी आपने दी। और देखिए, बड़ी बात है कि आप सभी लोगों को ये समझना होगा कि एक बार फिर से केसेस न बढ़े तो हम सभी लोग सावधानी बरतें, और उम्मीद लगातार ये लगाई जा रही है कि हम वापस से उस दौर में ना जाएं जो हमने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।